स्वागत है आपका गीताज काना में आज हम कानाजी के लिए एक पोचो बना रहे हैं हम ये पोचू पाँच से छः नंबर कानाजी के लिए बना रहे हैं देखिए हम पोचो इसी कलर से बनाएंगे रेड और व्हाइट कलर से हम शुरुआत व्हाइट कलर से करेंगे पोचू बनाने की देखिए आप जिस तरह से गांठ लगाना चाहें जिस तरह मैं गाठी लगाती हूँ खुलती नहीं है मेरी देखिये सबसे पहले हम बीस की चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदा पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस बीस की चेन बनाई हमने देखिए तीन चेन हम और बनाएंगे एक डबल क्रोशे के लिए एक दो तीन तीन की चेन बनाई यहाँ से तीन छोड़ेंगे ऊपर से और चौथे में लेके होल में लेके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरह से एक बार इस तरह से हमने होल के अंदर उकेरा यहाँ से धागा पलट के ले लेंगे इस तरह से ले लिया दोबारा से धागा ले, ले लेंगे एक में इस बार दो तार छोड़ देंगे अगली बार फिर दो तार छोड़ देंगे इस तरह से हमारा डबल क्रोशिया हो गया देखिए इसी तरह से पूरी चेन के अंदर में डबल क्रोशिया आपको बना के दिखा देती हूँ देखिए हमारी एरो बनकर कंप्लीट हो गई है करेंगे आप एक ही कलर से भी बना सकते हैं पोचू देखिए हम धागा चेंज करेंगे अपना धागा इस तरह से निकाल लेंगे और नीचे वाला धागा खींच देंगे व्हाइट वाला धागा खींच देंगे देखिए इस तरह से देखिए सबसे पहले हम इसमें तीन की चेन बनाएंगे देखिए अगले होल में हम दो बार डबल क्रोशिया बना लेंगे एक डबल क्रोशिया ये दूसरा डबल क्रोशिया देखिए इसी तरह से पहले एक बार हमने एक डबल क्रोशिया बनाया दूसरी बार दो डबल क्रोशिया बनाए इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करके मैं दिखा देती हूँ आपको देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है बन के अब हम इसको यहाँ पर देखिए यहीं से जोड़ देंगे इस तरह से हमने यहाँ से को लिया तार लिया इसको हमने सेम स्टिच कर दिया तो यहाँ से हमारी ये जुड़ गई देखिए ये हमारी सीधी साइड है तो हम यहाँ से इधर से बनाएंगे इसको यहाँ पे तीन की चेन बनाएंगे सबसे पहले और इसी में से दो बार डबल क्रोशिया लेंगे यहीं से एक हमने तीन की चेन बनाई दो बार डबल क्रोशिया ले लेंगे देखिए यहाँ से अगले होल में से डबल क्रोशिया हो गया हमारा दो डबल कौशी हो गए देखिए हमने दो की जगह यहाँ पे जैसे हम दो बार डबल क्रोश ले रहे हैं तो यहाँ पे हम तीन डबल ले लेंगे देखिए इस तरह से हमने तीन डबल ले लिए देखिए बाकी की पूरी रो में एक बार हम एक डबल कौशिया बनाएंगे और दूसरी बार में हम दो डबल कौशिया बनाएंगे इसी तरह से ये रो कंप्लीट करके दिखा देती हूँ देखिए हमने इसको यहाँ पे जोड़ा है आधा राउंड बना दिया पहले की हम यहाँ से सेंटर ले सकते हैं इससे पूरे आधे आधे डबल गिन लेंगे देखिए ये जो हमारा यहाँ से खुला एरिया है यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ डबल क्रोशे हुए हमारे एक दो तीन चार पाँच छ डबल क्रोश इधर हो गए इस तरह से हमारा ये सेंटर आ गया यहाँ पे देखिए इसी साइड में हम यहाँ पे एक ही होल के अंदर ये हमारा देखिए यहाँ से जो हमारा रूटीन चला रहा है तो हमें यहाँ पे दो डबल क्रशे लेने थे दो की जगह हम यहाँ पे हमने चार डबल कोशे बना दिए फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर दो डबल कोशिया बनाएंगे अगले होल में को बना के दिखा देती हूँ रो का एंड आ गया हमने देखिए इधर दो बना रखे हैं तो इधर हम दो बनाएंगे यहीं पे इसको सेम स्टिच कर देंगे तीन की चेन बनाई एक हमारी चेन हो गई और चार डबल क्रोशिया और बनाएंगे हम इसके अंदर एक चेन बनाई और एक दो तीन चार डबल क्रोशिया बनाए इसके बाद हम एक डबल क्रोशिया लेंगे और अगले होल में दो बार डबल क्रोशिया लेंगे पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे सेंटर में और इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करके मैं दिखा देती हूँ देखिए देखिए हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है और हमारी शेप अंडाकार है गोल नहीं है देखिए हमारे यहाँ पे नोक है और यहाँ पे नोक है थोड़ी सी इसको सेम स्टिच कर देंगे जो हमने तीन की चेन बनाई थी उसी से यहाँ से हम अपना धागा चेंज करेंगे देखिए ये हमारी अंडा का शेप हो गई है देखिए हमारी एक दो तीन चार पांच छः रो हमारी बनी है ये अब हम इसमें एक रो वाइट कलर से बनाएंगे देखिए अपना धागा चेंज कर लेंगे नीचे वाला धागा खींच देंगे रेड वाला और इसे कट कर देंगे धागे को तीन की चेन बनाएंगे देखिए इसको हम धागा ले लेंगे चेन बनाते समय तो हमारा धागा नजर नहीं आएगा इधर उधर करते रहेंगे धाके को तीन की चेन हमारी हो गई अगले होल में एक बार डबल कौशा लेंगे अगले होल में भी एक बार डबल लेंगे देखिए ये जो हमारा सेंटर है जो हमने चार डबल कौशे बनाए हैं इसका जो सेंटर है वहां तक हम जो जाएंगे एक होल में एक ही बार डबल कौशा बनाएंगे जो हमारा सेंटर का होल है उसमें हम पांच से छह बार डबल कोशा बना लेंगे एक दो तीन चार पाँच छठे में पांच से छह डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छह डबल क्रोशिया बनाए हमने छठे में छह बार हम एक एक बार और सातवें में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से सेंटर में भी करेंगे देखिए यहाँ पे अब हम सेंटर में आ गए इसके हम दोबारा यहाँ पे जो हमारा सेंटर है जो हमने चार बनाए हैं चार के जो बीच का सेंटर है इसमें से हम छह बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ छः डबल क्रोशिया बनाएँ और हम इसी तरह से छः बार एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे हर होल के अंदर और सातवीं बार में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर इसी तरह से ये रो में कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ देखिए देखिए ये रो हमारी बनकर तैयार हो गई है देखिए जहाँ पे हमने तीन की चेन बनाई है वहीं पे इसको सेवन स्टिच कर देंगे एक बार ओढ़ लेंगे सेवन स्टिच कर देंगे एक बार ओढ़ लेंगे और धागा कट कर देंगे देखिए हमें रेड वाला धागा भी तक कट कर देंगे सर्कल में नहीं है हमारे पोचो की शखशेप ये देखिए हमारा ये पोचो इस तरह का हो गया देखिए हमारा ये पोचो तैयार हो गया है अब हम एक कैप बना लेते हैं देखिए कैप बनाने के लिए ये दो फिंगर में इस तरह से लेंगे और धागे को यहाँ पकड़ लेंगे यहीं पे अपना क्रोशिया निकालेंगे इसे पकड़ के रखेंगे इस तरह से धागा ले लिया तीन की चेन बनाएंगे और इसमें से दस डबल क्रोशिया बना लेंगे देखिए हमारे दस डबल कोशिया बन गए हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस दस डबल कोशिया बने देखिए अब हम इस धागे को खींच देंगे ये जो हमारा धागा लटका हुआ है टाइट से खींचेंगे इसको जहां से हमने तीन की चेन ली है वहीं पे इसको सेम स्टिच कर देंगे वहीं पे से इसको जोड़ देंगे तीन की चेन बनाएंगे इस तरह से तीन की चेन बनाई देखिए ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया एक बार डबल क्रोशिया लेंगे देखिए हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए एक ही में फिर हम दो बार डबल क्रोशिया लेंगे अगले होल में एक बार में हम एक डबल क्रोशिया लेंगे इसी तरह से ये रो कम्प्लीट कर देंगे आइए मैं रो करके आपके दिखा देती हूँ देखिए इसको यहाँ पे हम रो हमारी पूरी हो गई है तीसरी यहीं पे इसको सेम स्टिच कर देंगे अपना धागा चेंज करेंगे देखिए अपना धागा चेंज कर लेंगे यहाँ से नीचे वाला धागा खींच देंगे अच्छे से देखिए तीन की चेन बनाएंगे इनकी चेन बनाएंगे और धागे को पलटते रहेंगे कि अगले होल में देखिए इसमें हम बढ़ाएंगे नहीं हर होल के अंदर हर होल के अंदर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे कि बढ़ाना नहीं है देखिए मैंने हर होल के अंदर एक ही बार डबल क्रोशिया बनाया है तो ये रो इसी तरह से बना के मैं दिखा देती हूँ देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है इसको हम यहाँ पे तीन की चेन के साथ सेम स्टिच कर देंगे कि इस तरह से धागा कट कर देंगे अपना देखिए ये हमारी कैप बनकर तैयार हो गई है आइए अब हम देखिए हमारी कैप और हमारा पौचे दोनों तैयार हो गए हैं अब हम यहाँ पे एक लटकन बना बना के लगाएंगे उनकी देखिए लटकन बनाने के लिए देखिए हम वाइट कलर का लटकन बना रहे हैं रेड भी बनाएंगे दोनों कलर से हम लगाएंगे आप एक ही कलर से भी लगा सकते हैं देखिए इस तरह से तीन उंगली में लेंगे आपको अगर छोटी बनानी है तो आप दो उंगलियाँ भी ले सकते हैं और इसको कम से कम दस से बारह बार लपेट लेंगे मेरा तीन हो गया है चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह बार लिया मैंने आप ज़्यादा भी ले सकते हैं मोटा बनाना चाहें तो देखिए इसको यहाँ से एक पॉइंट नीचे से पकड़ेंगे और यहाँ से इसको कस के बांध देंगे देखिए इस तरह से भी हम इसको ये देखिए इसके हमने गाँग आठ लगा दी ये खुलेगा नहीं एक बार और लगा देंगे देखिए ये नहीं खुलेगा धागा थोड़ा भी छोटा बड़ा कट कर लेंगे ये एक हमारा और लटक जाएगा ओपन कर देंगे देखिए इस तरह से हमने बनाया है इसको देखिए हमने ये बना के भी रखे हुए हैं इस तरह से देखिए एक हम रेड बनाएंगे रेड हम दो उंगली से बना रहे हैं आप तीन से ही बनाएंगे बाकी के जो देखिए इस तरह से दो उंगली से बनाएंगे दस से बारह बार लपेट देंगे ये आप ज़्यादा भी बना सकते हैं कम भी बना सकते हैं कि इसको इस तरह से यहाँ से लेंगे इसको हम सेंटर से बंद कर लपेट रहे हैं देखिए इस तरह से लपेटेंगे करेंगे देखिए इस तरह से हमने इसको किया और उल्टा और धागे को देखिए इसको इस तरह से किया ये इस तरह से करेंगे तो हमारी गांठ अपने आप लग जाएगी थोड़ा सा बड़ा ही काटेंगे इसको भी देखिए इसको भी हम सा बन गया ये हमारा छोटा सा इसको हम कैप के ऊपर लगा देंगे देखिए इस तरह से हमारी कैप अच्छी लगेगी देखिए जो हमने बनाए हैं इसको हम यहाँ पे व्हाइट से शुरू करेंगे और यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे इसको सिलेंगे देखिए इस तरह से सिलेंगे जैसे मैंने दो व्हाइट लगाए हैं दो रेड लगाए फिर दो व्हाइट लगाए इस तरह से मैं पूरे राउंड में लगा के आपको दिखा देती हूँ देखिए व्हाइट कलर के धागे से लगाएंगे देखिए इस तरह से लगाएंगे दो व्हाइट लगाएंगे देखिए पूरे घेरे में लगकर तैयार हो गई है इसको हम सीधा करेंगे धागों को जो एक्स्ट्रा धागे हैं ऊंचे नीचे इसको हम बराबर कर लेंगे ये हमारी कैप है कैप के अंदर हम इसको ऊपर से ही रखेंगे देखिए अंदर से सिलेंगे इसको हम यहां से अंदर से सुई डालेंगे देखिए इसी तरह से हमारी कैप भी तैयार हो गई है आइए मैं ये पहुंचू कन्हैया जी को पहना के दिखा देती हूँ देखिए हम इस पोचू को दो तरह से पहना सकते हैं कन्हैया जी को आइए मैं ये पहना करके दिखा देती हूँ देखिए ये पोचू हम दो तरह से कन्हैया जी को पहना सकते हैं अगर हम चाहें तो इसे ड्रेस की तरह ही पहना सकते हैं इस तरह से इसके ऊपर हम जो भी हमने जैसे हमारे पास तो व्हाइट चोली है हम ये पहना देते हैं देखिए एक तो हम इस तरह से ड्रेस की तरह पहना सकते हैं इसको हम आप कोई भी चोली पहना सकते हैं और पोछू की तरह से भी ड्रेस पहना सकते हैं आइए मैं दूसरी तरह से भी इसको पहना करके दिखा देती हूँ आपको देखिए हम दोनों तरह से इस पोछो को पहना सकते हैं कनेजी को ड्रेस की तरह भी पहना सकते हैं और पोचू की तरह भी पहना सकते हैं इस पोछो को हम इस तरह से आप इस पोछू को बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए राधे राधे जय श्री कृष्णा